ना करे चीजें जो हैं वो बेहतर हों और कोई अच्छी खबर आ जाए। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जेलों में बंद लोगों को किया जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठे उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो लसबेला के करीब बलोचिस्तान के अंदर मिसिंग है। ये जो हेलीकॉप्टर जो मिसिंग है इसमें ISPR के मुताबिक 6 लोग सफर कर रहे थे। वजीर आला बलोचिस्तान का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार। अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद और अमले की हिफाजत फरमाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि पाकिस्तान के हेड जनरल की जो हेलीकॉप्टर थी वो अब क्रैश हो गई या फिर वो लापता हो गई है। दोस्तों अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अभी क्रैश हो चुकी है, अभी ये पूरी खबर सामने नहीं आई है। दोस्तों ISPR के मुताबिक जो वो हेलीकॉप्टर थी उसमें पाकिस्तान के 6 बड़े ऐसे फौजी थे जो कि उसमें गए थे देखने के लिए हालात कि पाकिस्तान में जिस तरह से बारिश के कारण में बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका है और वहां के लोग बहुत ही तबाह हो चुके हैं, मर रहे हैं, डूब जा रहे हैं, तो उसके लिए वो वहां का मुतायजा लेने गए थे। लेकिन उनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो 5 घंटे से गायब हो गई, वो रडार में नहीं आई, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं लगाया पा रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अब क्रैश हो चुकी है। दोस्तों इसे पाकिस्तानी बहुत ही सदमे में है क्योंकि जब भारत के अंदर में जनरल बिपिन रावत की जो प्लेन थी वो क्रैश हुई थी उसकी बहुत पाकिस्तान ने खुशियां मनाई थी। अब वो दिन पाकिस्तान के अंदर में भी आ गया है जब वहाँ के 5-6 बड़े ऐसे ऑफिसर्स उस हेलीकॉप्टर में बैठे हैं जो कि अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि वो कहाँ पे हेलीकॉप्टर गई है, कहाँ पे क्रैश हुई है या फिर कहाँ पे वो लोग हैं। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर में POK को लेके आज़ादी की जंग चालू है, तो ये वीडियो में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने वालों का एक मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे बहुत बड़े चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है 15th Amendment के जरिए, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जेलों में बंद लोगों को किया जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठे उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा हमें तफसीलन बताएं, और ये 15th Amendment पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुस्तकबिल है, उस पर क्या असर होगा? देखें जी, जो कि हमारे आइडियंस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पूरे बरसगीर पे फैले हुए लोग हैं और बहुत सारे लोगों को जाहिर है वो एक लोकेलिटी है, एक अतवाद से तो बहुत सारी चीजों का पता नहीं होगा। तो हम बात करने से पहले थोड़ा सा मैं उसकी बैकग्राउंड क्लियर करूं कि जिसको आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं या हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं या जिसको ज्यादा मुनासिब तरीके से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहा जाता है गैर जानबदार हल्कों में, ये जो इलाका है 4,500 मरबा मील का इलाका, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है वो उसको एक्ट 1974 कहते हैं, यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक इसका बंदोबस्त चलता है कि इसके पास क्या इख्तियारात हैं, क्या नहीं है, पाकिस्तान के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप है, क्या नहीं है, ये चीज़ों को जो डिफाइन करता है उसको हम एक्ट 1974 यानी 74 का एक्ट कहते हैं। एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्क होता है वो तो लोगों को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोर लाइक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है पूरे मुल्क के अफेयर्स को चलाने के लिए, जबकि एक्ट उससे थोड़ा सा एक निचले दर्जे का एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो भी कुछ रियासतों को हुकूमतों को
जो है एक ब्लू प्रिंट देता है। पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो लसबेला के करीब बलोचिस्तान के अंदर मिसिंग है। ISPR ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया है कि वो फ्लड के जो ऑपरेशंस हैं, जो आपको पता है सैलाब और बारिशों का वहां पे की वजह से बड़ी तबाहकारी हुई, उसमें पाकिस्तान आर्मी रिलीफ का काम कर रही है, तो उसके अंदर ये अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे और इसमें अफसरान भी थे। और इस ये जो हेलीकॉप्टर जो मिसिंग है इसमें ISPR के मुताबिक 6 लोग सफर कर रहे थे, 6 लोग इसके अंदर सफर कर रहे थे और वो सारे इस वक्त मिसिंग है। मेरी जो मालूमात हैं, मैंने जो कुछ लोगों से बात की है कि ये लसबेला के करीब ये हादसा पेश आया है और मुझे ये बताया गया है कि जिस जगह पे ये हादसा पेश आया है वहां पे पहुंचने के लिए जो पाक आर्मी की गाड़ियों पे टीम निकली है उसको पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे। और ये जो क्रैश है ये बताया जा रहा है कि ये वेस्ट फ्रॉम कराची ऑन लसबेला एक्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि कराची के वेस्ट में है, लसबेला से के करीब है और वहां पे पहुंचने के लिए 3 घंटे लगेंगे कम से कम। जो रिकवरी व्हीकल्स हैं, जो रिकवरी की टीम है वहां पे जो पहुंचेगी, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम जो ऑपरेशन है उसको पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे फौज की टीम को। लेकिन पुलिस इज लाइकली टू रीच देयर, जो पुलिस है वो तकरीबन 45 मिनट में वहां पहुंच सकती है, वो उस एरिए के ज्यादा करीब है। अच्छा, अब इस तैयारी के अंदर कोर कमांडर जो है बलूचिस्तान के वो भी सफर कर रहे थे। अभी तक जो कुछ इत्तलात आई हैं उनके मुताबिक हमें तो मतलब कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शहादतें मतवक्को हैं, कि हो सकता है ऐसी खबरें आएं कि इसमें अफसरान की और जो भी लोग सफर कर रहे थे उसमें कुछ लोग शहीद हो गए हैं, तो शहादतें मतवक्को हैं इसके अंदर। मुझे ये भी बताया गया, जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उधर से बलोचिस्तान से ही, कि इसमें एक ऐसे अफसर भी सफर कर रहे थे जो हाल ही में ब्रिगेडियर से उनका मेजर जनरल के ओहदे के ऊपर उनकी तरक्की हो गई थी, बोर्ड उनका क्लियर हो चुका था। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सोर्सेज के थ्रू आ रही है मुख्तलिफ जगहों से। तो अल्लाह करे चीजें जो हैं वो बेहतर हों और कोई अच्छी खबर आ जाए। इस वक्त नईम लोधी साहब भी हमारे साथ हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी हादसा तो ये पेश आया है, हम सभी दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि हमारे तमाम फौजी अफसरान महफूज हों। आप किस तरह देख रहे हैं इस इलाके को और इस वाकये के हवाले से आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ होगा? जी अभी तक तो कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नजर आता है, बहरहाल जब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हेलीकॉप्टर को इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्योंकि जब इतनी कोई खराबी पैदा हो तो ये ग्लाइड वगैरह नहीं कर सकता, तो इस लिहाज से इस किस्म का हादसा अमूमन खतरनाक होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि जाने बच गई उन लोगों की जो इसमें सवार थे। मैं नोट करने की बात यह है कि आप देखिए पाकिस्तानी अफवाज के सीनियर तरीन अफसरान कैसे अपनी जान हथेली पे रखकर इस कौम की खिदमत करते हैं और अवाम की खिदमत करते हैं। आप जानती हैं, सबको मालूम है जी, जी, बिल्कुल। वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की सुपरविजन खुद कर रहे थे कोर कमांडर और हर जगह उतर के देख रहे थे कि सूरत हाल कैसी है और क्या है। आपने सही कहा कि वहां पर चूंकि सैलाबी सूरत हाल है जिस इलाके में ये इतला आई एक्सीडेंट की, तो अल्लाह करे कि सब खैर आफियत हो और हम दुआ करते हैं कि उनमें से लोग जो है वो अल्लाह करे कि सही सालिम हो। लेकिन बहरहाल अलावा इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कोई प्रॉपर खबर मिल नहीं जाती है। तो अच्छा नईम साहब, अभी ये सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज किया गया जिसमें अभी उनकी तलाश का जो काम है वो जारी है। इतनी आबादी नहीं है इस इलाके में, फिर सैलाब की भी सूरत हाल है, तो आपको क्या समझ आ रही है? अब तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं तो ये ऑपरेशन मेरा ख्याल है ताहाल जारी है। वजीर आला बलोचिस्तान का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार। अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद और अमले की हिफाजत फरमाए, वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से यह कहना है। और उनका कहना है कि वजीर आला की जिला इंतजामिया लसबेला और पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत की गई है, पुलिस रेस्क्यू टीमों को भरपूर मुआवनत फराहम करे, वजीर आला ने यह हदायत की है। जी हाँ, आपको बताएं कि तमाम अहम सियासी शख्सियात अफसरान की जानिब से इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाक आर्मी का यह हेलीकॉप्टर है जो कि बलोचिस्तान में लापता हुआ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा था और साथ ही साथ फजाई जायजे के लिए इसमें आला अफसरान सवार थे कि ये वाकया पेश आया। और अब तक की मालूमात के मुताबिक ससी का ये इलाका है जहां पर आखिरी बार
हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रबता हुआ, उसके बाद रबता मुनकता हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक हेलीकॉप्टर लापता है। कोशिश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद और अमले की हिफाजत फरमाए। साथ ही साथ वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो की जानिब से यह हिदायत दी गई है कि ज़िला इंतज़ामिया लसबेला और पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तमाम वसायल बरूए कार लाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि पुलिस रेस्क्यू टीमों को भरपूर मावनत फराहम करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के फ़ौजी हैं, 6 फौजी वो अभी लापता हैं, जो उनकी हेलीकॉप्टर थी उससे ही उन लोगों को लापता हो गया है। ये खबर लगाई जा रही है कि जो बलूचिस्तान है ये भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकि फ़ौजियों के खिलाफ जिस तरह की जंगें चालू हैं और जिस तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिसर को उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था बलूचिस्तानियों ने, केवल अपने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, इसकी वजह से पाकिस्तान के फ़ौजी जो हैं उनके अंदर बलूचिस्तान का खौफ मंडरा रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर में जिस तरह से आज़ादी की जंग चल रही है और पीओके भी अपना एक अलग मुल्क मांग रहा है, अब दोनों के दोनों जल्द ही आज़ाद होने वाले हैं। और जिस तरह से अभी ये हेलीकॉप्टर गायब हुई है, इसमें ISPR के मुताबिक 6 लोग थे और ये लोग जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर में जहाँ पे पानी भर चुका है बारिश की वजह से और वहाँ पे सैलाब की माहौल है, उसको देखने के लिए गए थे, उसको मुतायजा लेने के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। वो 5-6 घंटे से लापता हैं और इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ रिपोर्टरों का, कि जो वो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो चुकी है और जिस तरह से पहले जनरल बिपिन रावत के जो प्लेन क्रैश होने के बाद पाकिस्तानियों ने जिस तरह की खुशियां मनाई थी, अब पाकिस्तान में भी वो दिन आ चुका है कि जब उसके बड़े 6 फौजी एक साथ मारे जाएंगे। दोस्तों, अभी ये खबर देखते हैं कब तक आती है, लेकिन अभी तक तो यही अनुमान लगाया जा रहा है जो हेलीकॉप्टर थी वो कहीं क्रैश हो चुकी है और उसीलिए उसका पता नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।